अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल्स ऑफ टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड हों और डेटा, इंफॉर्मेशन और दूसरी रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हों तो हम उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, राइट। अब ये जो कंप्यूटर नेटवर्क में डिफरेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी वो किस तरह की ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो फॉर्म कर रहे हैं कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी के लिए, उसके लिए टोपोलॉजी की टर्म इस्तेमाल होती है, राइट। यानी कंप्यूटर जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, उसका फिजिकल ले आउट क्या है, किस तरह से वो अरेंज हुए हैं और कनेक्ट हुए हैं, उसको टोपोलॉजी कहा जाता है। बेसिक जो है वो तीन तरह की टोपोलॉजीज हैं, दैट इज बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट होता है, यानी जो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो एक सिंगल केबल के थ्रू होते हैं, राइट। मींस इस टोपोलॉजी में जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो रहा होता है, वो एक सिंगल केबल के थ्रू होता है। और ये जो सिंगल और सेंट्रल केबल है, ये बैकबोन की हैसियत रखता है। और अगर इस बैकबोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, यानी इस सेंट्रल केबल में कोई फॉल्ट आ जाए, तो ओवरऑल कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो वन बाय वन जो है सिस्टम्स अपना जो मैसेज या फिर डाटा जो है वो सेंड कर रहे होते हैं, और एक वक्त में एक ही सिस्टम सेंड करता है, बाकी जो है वो वेट कर रहे होते हैं, राइट। एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी देखें तो अगर फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द नेटवर्क फंक्शनिंग, यानी अगर एक नोड या एक कंप्यूटर सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाए, तो ओवरऑल नेटवर्क जो है वो उसी तरह काम करता रहता है, उसी में परफॉर्मेंस में या दूसरे सिस्टम की परफॉर्मेंस में कोई अफेक्ट नहीं होता। कॉस्ट इज लेस एज ओनली वन मेन केबल इज रिक्वायर्ड एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, राइट। इसमें जो है वो कॉस्ट कम आती है इस तरह के कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी क्रिएट करने में, क्योंकि इसमें जो केबल रिक्वायर्ड जो होता है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए वो कम होता है। उसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क की एक्सपेंशन, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में मजीद कंप्यूटर्स अगर कनेक्ट करने हो तो वो ईजियर होता है। ये जो है किस मीन्स से कनेक्टर के थ्रू, जिसे टी कनेक्टर कहते हैं, उसके थ्रू कंप्यूटर्स को नेटवर्क में ऐड किया जा सकता है। और उसके अलावा ये कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो स्मॉल नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होती है। डिसएडवांटेज अगर देखें तो, क्योंकि इसमें एक मेन सेंट्रल केबल होता है जिसके ज़रिए सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, अगर वो ही फेल हो जाए यानी उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ओवरऑल नेटवर्क जो है वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। क्योंकि एक सिंगल चैनल शेयर हो रहा होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, तो इसलिए इसका जो एक्सेस टाइम है वो भी स्लो होता है। मीन्स जब हाई नेटवर्क ट्रैफिक हो तो उसमें जो है वो क्योंकि एक वक्त में एक सिस्टम जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक वक्त में एक सिस्टम जो है वो मैसेज जो है वो ट्रांसमिट कर रहा होता है, और दूसरे जो डिवाइसेस हैं उनको वेट करना होता है अपनी टर्न के लिए, राइट। तो इस वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है डाटा कम्युनिकेशन की, और यही वजह है कि बस टोपोलॉजी जो है वो लार्ज नेटवर्क्स के लिए नहीं बल्कि स्मॉल नेटवर्क के लिए इसको सेटअप किया जाता है। ओके, नाउ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो एक रिंग या फिर सर्कुलर शेप में कनेक्टेड होते हैं, और इसमें जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता है वो एक लूप की सूरत में एक ही डायरेक्शन में पास कर रहा होता है, और इसमें जो रेसिपिएंट है वो जो मैसेज रिसीव करता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो दूसरे सिस्टम्स से जो है वो पास होकर उस तक पहुंचे, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट करें कि सिस्टम वन को सिस्टम फोर
को मैसेज सेंड करना है तो वो मैसेज जो है पहले सिस्टम टू के पास जाएगा, फिर सिस्टम थ्री के पास जाएगा, फिर सिस्टम फोर इसको रिसीव करेगा। उसके अलावा इसमें टोकन पासिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। पहले जो है वो टोकन जो है वो पास होता है और जिस सिस्टम को मैसेज सेंड करना होता है वो उस टोकन को रिसीव करता है और फिर उसके बाद जो है वो उस पर्टिकुलर सिस्टम का जिसको उसने सेंड करना होता है मैसेज उसका एड्रेस जो है वो डाटा के साथ ऐड करता है और फिर वो वन बाय वन इस तरह सिस्टम से होता हुआ फिर मेन रेसिपिएंट के पास पहुंचता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम वन को मैसेज सेंड करना है तो पहले ये टोकन रिसीव करेगा, जैसे आप ये येलो शीट देख रहे हैं इसने टोकन रिसीव किया, उसके बाद वो उस टोकन के साथ जो है वो एड्रेस और डाटा जो है वो उसका ऐड कर देगा, फिर सिस्टम टू के पास जाएगा उस एड्रेस को मैच करेगा उसका नहीं होगा, फिर वो सिस्टम थ्री को फॉरवर्ड करेगा सिस्टम थ्री पर एड्रेस को मैच करेगा उसका भी नहीं होगा, फिर सिस्टम फोर मैच करेगा तो वो वहाँ पे मैसेज या डाटा को रिसीव करेगा। उसके बाद ये जो है एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सिस्टम वन के पास, राइट। जब सिस्टम वन के पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी वो उसको रिसीव कर लेगा, फिर उसके बाद दोबारा फिर टोकन जनरेट होगा और फिर जिस सिस्टम को मैसेज सेंड करना होगा वो फिर टोकन रिसीव कर लेगा और फिर इसी तरह ये साइकिल चलेगी। ठीक है, तो मीन्स लिंक टोपोलॉजी की एडवांटेजेस अगर हम देखें तो डेटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है जिसकी वजह से जो डेटा कोलिजन के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। उसके अलावा डेटा कैन बी ट्रांसफर बिटवीन द वर्क स्टेशन एट हाई स्पीड, हाई स्पीड के साथ जो है वो डेटा ट्रांसमिशन हो रही होती है। अ नेटवर्क सर्वर इज नॉट नीडेड टू कंट्रोल नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन वर्क स्टेशन, ठीक है, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर्स या सिस्टम्स या नेटवर्क में दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो इसके किसी सेंट्रल सर्वर की जरूरत नहीं होती इसमें। Additional workstations can be added without impacting performance of the network. Means इस network में computers जो है वो add किए जा सकते हैं आसानी के साथ और उससे overall network की performance के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। Now disadvantages of ring topology. In unidirectional ring, signal must pass through all the nodes. Means जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर कोई signal pass हो रहा है तो उसको वन बाय वन तमाम nodes से या computer system से होकर गुजरना होता है। All data being transferred over the network must be passed through each workstation on the network, which make it slower than a star topology. ठीक है, क्योंकि उसको तमाम nodes से पास होकर गुजरना होता है यानी सिग्नल को, तो इस वजह से अगर हम स्टार टोपोलॉजी जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसके मुकाबले में इसका जो डेटा एक्सेस टाइम है जो है वो स्लोअर हो जाता है, राइट। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, दैट मींस द फेलियर ऑफ अ लिंक और अ कंप्यूटर कैन मेक द एंटायर नेटवर्क नॉन फंक्शनल, राइट। इस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक सिस्टम या कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए वो नॉन फंक्शनल हो जाए तो ओवरऑल नेटवर्क जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, जो काम नहीं करता। ओके, नाउ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस के साथ जो कि हब स्विच या फिर कोई कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस एक्ट एज अ सर्वर एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस एक्ट एज अ क्लाइंट। ठीक है, तो सेंट्रल जो डिवाइस है जो कि हब या फिर स्विच हो सकता है या कंप्यूटर हो सकता है वो सर्वर के तौर पे काम करता है और जबकि डिवाइसेस जो हैं या कंप्यूटर्स जो हैं वो क्लाइंट के तौर पर काम करते हैं, वर्क स्टेशन जो हैं वो क्लाइंट कहलाते हैं। To communicate with any computer, the sender must send information to the server. Communication के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो है वो सर्वर को सेंड करे, that might be hub, switch और computer. और उसके बाद वो सर्वर जो है वो डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को। एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी देखें तो इसमें सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होती है, मीन्स कोई कंप्यूटर हब या स्विच जो है वो सेंट्रली मैनेज कर रहा होता है। उसके अलावा इजी टू सेटअप एंड इजी एक्सपेंशन ऑफ द नेटवर्क, मीन्स नेटवर्क
सेटअप करना भी आसान होता है, और उसके अलावा इसमें कोई कंप्यूटर ऐड करना हो नेटवर्क में तो वो भी इजी होता है। इफ वन कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क फेल्स द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क कंटिन्यूज टू फंक्शन नॉर्मली। मीन्स इस नेटवर्क में अगर कोई एक सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करता या काम करना छोड़ देता है तो ओवरऑल नेटवर्क जो है वो नॉर्मल फंक्शन करता रहता है। डिसएडवांटेजेस अगर देखें स्टार टोपोलॉजी तो उस हो सकता है कि ये इसमें के ऊपर जो है कंपेरेटिवली कॉस्ट जो है वो हायर हो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ स्विच या फिर राउटर जो कि सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस के तौर पर काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा सेंट्रल नेटवर्क जो है सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस जो है वो बेसिकली डिटरमिन कर रहा होता है ओवरऑल नेटवर्क की परफॉर्मेंस को, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या नोड्स जो कि नेटवर्क हैंडल कर सकता है। इफ द सेंट्रल कंप्यूटर हबर स्विच फेल्स द एंटायर नेटवर्क को गोज डाउन एंड ऑल कंप्यूटर्स आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। ठीक है, अगर जो सेंट्रल सर्वर जो कि हब या स्विच या कोई कंप्यूटर हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर एंटायर नेटवर्क जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, मीन्स वो काम नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ टोपोलॉजीज में हमने तीन टाइप्स टोपोलॉजीज डिस्कस की, दैट इज बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। राइट, बस टोपोलॉजी में हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर नेटवर्क जो क्रिएट होता है उसमें जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो सिंगल केबल के थ्रू होते हैं। राइट, और रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ वो एक सर्कुलर या रिंग शेप बना रहे होते हैं केबल के थ्रू, और स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक सिंगल हब या स्विच के साथ या कंप्यूटर जो कि सर्वर के तौर पे काम कर रहा होता है, और जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है वो सेंट्रल हब या स्विच की तरफ होती है, फिर वो मेन जो रेसिपिएंट होता है उसकी तरफ ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को। राइट, ओके, नाउ होमवर्क देख लें स्टूडेंट्स, लर्न एंड राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिस्क्राइब बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजीज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, आल्सो राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच टोपोलॉजी। उसके अलावा आप लोगों ने एडिशनल टोपोलॉजीज हैं मैश ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजीज, इनको एक्सप्लोर करना है और इनको डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, उसके अलावा इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने हैं। उसके अलावा आपने एक लिस्ट बनानी है, मेंटेन करनी है वो उन हार्डवेयर इक्विपमेंट की जो कि टोपोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ, और उनको डिफाइन करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अपना ये होमवर्क कीजिएगा और अपने लर्निंग भी साथ साथ अपनी करिएगा इंशाल्लाह ताला। फिर जब स्कूल आपके खुलेंगे तो फिर आप लोगों का जो है वो मिड टर्म एग्जाम होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, जब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।